अनूप करौसिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जी। कार्यक्रम के बारे में आज बुंदेलखंड काव्य हत्या द्वारा सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, अखंड रामायण का पाठ नियमित एक महीने के लिए 22 जनवरी तक रखा गया है। आज हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो हिंदू समाज ने लगातार 1500 साल से इस राम मंदिर के लिए, राष्ट्र मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा था, आज वो दिन वो आ गया है कि 22 जनवरी को भगवान राम पुनः अपने घर में विराजमान होंगे। और हिंदुओं के लिए वो बहुत ही गौरव का दिन है, बहुत ही इतिहास का दिन है। और इस इतिहास के दिन में हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि राम काज वो कहाँ विश्राम, इसलिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, जिससे देश में पुनः हनुमत शक्ति जागृत हो और भगवान राम के निर्माण के साथ राष्ट्र का निर्माण हो और इस देश की, राष्ट्र की सुरक्षा हो। इसी कामना के साथ हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं और झांसी की जनता से अपील करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस पवित्र कार्य में जुड़ें और इस पवित्र कार्य से अपना पुण्य लाभ करके और इस राम मंदिर की मुहिम में ज़्यादा जुड़कर और 22 जनवरी को एक उत्साह के माहौल में बने और दीपावली का माहौल बना दें, ऐसी हम विनती करते हैं झांसी की जनता से। जय श्री राम।